जय हिंद बच्चों, आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीसरे पार्ट की ओर हैं। आपने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझा है, इसी क्रम में आप तीसरे पार्ट को भी समझें। और चूंकि इसमें हमने क्वेश्चंस के नए नए पैटर्न भी लिए हैं और किस तरह से डिफरेंट इस मेथड्स के बारे में प्रीवियस हमने चर्चा कर चुका है, इसके बावजूद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कैसे हम फेस करते हैं इसको समझ में आएगा और आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि इसको आप सावधानी से समझें और बनाने की कोशिश करें। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के तरीका हमने बताए थे, एक तो फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी वी हैव टू यूज ओनली फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपने छोटे वाले क्लास में भी पढ़ा है उसी को एक तरह से रिकॉल करना है। हमने चार क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एक तो पहला बहुत ही आप फेमिलियर हैं उसके बारे में, उसको देखते हैं पहली बार। जैसे मैं पहला क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसे वी हैव सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, वी हैव टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरह के कंसेप्ट को समझिए आप कि 2x स्क्वायर आई मीन फर्स्ट और लास्ट वाले की प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, आई मीन फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। आई मीन प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए मुझे 2 × 3 आई मीन 6 से ही, प्रोडक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में 6 से, राइट। और सम करने के बाद सम क्या चाहिए, -5। ये तो बहुत ही क्लियर है कि अगर हम साइन की बात करें तो साइन पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव होती। ये तो क्लियर हो गया, या तो पॉजिटिव होगा दोनों या दोनों निगेटिव होगा, लेकिन सम करने पे माइनस आना चाहिए। अगर हम एक केस ऐसा भी है जब हम दोनों प्लस लेते हैं तो उसको हम प्लस को प्लस करेंगे तो क्या माइनस आने जाएगा, मतलब नहीं है। इसका मतलब यह पार्ट बिल्कुल खत्म, यही कैंसिल हो, यानी दोनों जो फैक्टर होंगे वो दोनों निगेटिव साइन वाले होंगे तभी उसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी और सम करने पर 6 आनी चाहिए, 5 - 5 आनी चाहिए। तो 6 के फैक्टर क्या क्या है, 1 × 6, 2 × 3, दो फैक्टर होंगे। अगर हम दोनों को माइनस ले लेते हैं, चूंकि हमने अभी डिसाइड किया है कि दोनों निगेटिव होगा, 6 × 1 = 7 हो जाएगा, तो मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए यह नहीं लेंगे, 2 और 3 लेंगे, दोनों निगेटिव, 2 और 3 = 5 दैट इज -5, 2 × 3 = 6। यानी इसके फैक्टर हमने फाइंड कर लिया क्या है, 2x² माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। हमने जस्ट मिडिल पार्ट को स्प्लिट किया, इसको नाम दे देंगे फैक्टराइजेशन ना दे करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने जो सीखा है पहले उसको। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, हमने ग्रुपिंग कर लिया है। कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, आई मीन सभी में हो, तभी तो कॉमन ले पाएंगे। कॉमन का मतलब क्या, जो एक जैसे दिमाग सभी बच्चों में कुछ ना कुछ होता ही है, कॉमन हम ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, छोटी वाली पावर हम कॉमन लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं हो रहा है, चूंकि यहाँ 2 है यहाँ पे 3 है, यानी बच गया मेरे पास 2x। जो कॉमन लेते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं, प्लीज ध्यान रखना है 2x माइनस में 3। अगर यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, याद कर जाना है, वी हैव टू टेक 1 एज कॉमन। और साथ वाला टर्म यह भी सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर -1 कॉमन लेना होगा, -1 से डिवाइड करते हैं +2x हो जाएगी, माइनस में 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। फिर से 2x - 3 हम अगर कॉमन ले सकते हैं, 2x - 3 एंड x - 1 बच गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह होता है कि when 2x - 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2, एक मेरा रूट यहाँ निकल आया, ठीक ठीक उसी तरह दूसरे पार्ट को लेते हैं, एंड when x - 1 इज इक्वल टू 0 यू विल गेट x इज इक्वल टू 1, आई मीन दीज आर द रूट्स, ये आपके आंसर हो गए। ये समझने की बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दो होते हैं, वह इस तरह से फैक्टराइज करने पर निकलता है। यह चीज हमने जस्ट एक समझने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, यह समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी हिसाब से हम सेकेंड पार्ट को भी देखते हैं। एक्चुअली
Again question, 2x square, we have 2x square माइनस ए एक्स प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को कंफ्यूजन होता है ये फ्रैक्शन में आ गया, कोई टेंशन नहीं, जस्ट इसमें आप इसको एलसीएम ले लीजिए आप, या नहीं तो 1/8 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लिया यहाँ पर, 1/8 कॉमन ही ले लो, छोड़ो गोली मारो इसको। 1/8 कॉमन से क्या होगा, मैंने बोला था कॉमन लेने पर क्या होता है, वी हैव टू डिवाइड, हमें डिवाइड करना होता है। जैसे 2 है, 2x स्क्वायर है, इसको हम 1/8 से डिवाइड करते, 1/8 ऐसे होगा, यह चीज ऊपर चली जाएगी, आई मीन ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 1, यानी 16x स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह 1/8 जीरो के नीचे जाएगी, तो 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह 1/8 दैट इज 0, क्योंकि 1 के नीचे में याद कर जाना है कि 0/1 की वैल्यू 0 होती है, जबकि 1/0 मीनिंगलेस, क्या होती है यहाँ पर, मीनिंगलेस, इसके कोई मतलब नहीं होता है, याद कर जाना है 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, जबकि 0/1 जीरो होती है। तो इस तरह से वैल्यू मेरे पास यह फैक्टराइजेशन आ गया। अब इन चीज को समझिए आप, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से इसको देखना है कि वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस आई मीन प्लस 16। प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 16 चाहिए प्लस में, एंड सम इज इक्वल टू माइनस 8, सम इज इक्वल टू माइनस 8। देखो सेम कंसेप्ट, आई मीन कंसेप्ट इधर आया कि प्रोडक्ट पॉजिटिव और सम करने पर पॉजिटिव आई मीन निगेटिव आना चाहिए, यानी दोनों साइन मुझे माइनस में लेने, दोनों फैक्टर निगेटिव होंगे, तो 16 के फैक्टर 4 4 16 4 4 8, तो दोनों 4 ही हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, 16x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 4x हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर 4x माइनस में 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर से 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या निकला, मैंने बोला था कि जब इस तरह से फैक्टर निकल जाते हैं उस केस में दोनों को हम इक्वल टू 0 करते हैं, आई मीन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली दूसरा भी ये होगा, एंड व्हेन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। दीज आर द टू रूट्स, ये दोनों जो है रूट्स हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं कोई कंफ्यूजन है, जस्ट एक कंसेप्ट था कि 1/8 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लो या इसका एलसीएम ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही आंसर है, इस तरह से इसकी वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे, राइट है ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों कवर किया, अब बाकी है थर्ड और फोर्थ की। नंबर थर्ड, हमें देखिए 3x स्क्वायर, हमें इसकी बात कर रहे हैं, वी हैव 3x स्क्वायर माइनस में 2√6 एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यह थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यह स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट, 3 2 6, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 6, प्रोडक्ट क्या चाहिए 6 चाहिए प्लस 6, और सम करने के बाद माइनस 2√6 चाहिए, यानी सम निगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों साइन माइनस में होगा, जो दो फैक्टर होंगे दोनों निगेटिव होंगे। और एक बार बता दूं कि स्क्वायर रूट है तो रूट सिक्स को अगर रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 ही होगी, अगर दोनों के साइन हम माइनस ले लें अगर, तो इस दोनों को सम करें तो माइनस 2√6 हो जाएगी, 1√6 एंड 1√6 दैट इज 2√6, यानी माइनस 2√6 सम हो गई और प्रोडक्ट 6 हो गई, मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया। ये क्लियर है कि हमारे पास इसके फैक्टर्स जो है वो पता हो गए, क्या 3x स्क्वायर माइनस में √6x √6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट किया है, ठीक। अब इस केस में कॉमन लेना है, इस केस में कॉमन लेना है, तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग की जरूरत है, और है वह क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर कॉमन के x तो दिख रहा है, दूसरा कॉमन 3 है और यहाँ पर √6 है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर 3 को हम √3 into √3 लिख सकते हैं, √3 into √3,
और रूट सिक्स को क्या लिख सकते हैं हम, रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट सिक्स हो गई। तो अब ये दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको रूट थ्री, तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर रूट थ्री ऑफ एक्स बच जाएगी माइनस में रूट टू बच जाएगी। समझने की जरूरत है यहाँ पर, थ्री को हम ऐसा लिख सकते हैं और रूट सिक्स को ऐसा लिख सकते हैं, इस हिसाब से हमने कॉमन ले लिया। माइनस रूट टू हम कॉमन लेंगे तभी तो रूट थ्री बचेगी, रूट थ्री एक्स माइनस में रूट टू। सिमिलरली यहाँ टू को भी रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। तो इस तरह से आ गया मेरे पास ये फैक्टर, अब क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस में रूट टू और फिर रूट थ्री एक्स माइनस में रूट टू इज इक्वल टू जीरो। आप दोनों के बराबर जीरो कर दीजिए, व्हेन रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन में रूट थ्री। अब जब आप होशियार हो जाएंगे और तो इस तरह से इसको लिख देंगे एंड दूसरा रूट यही होगा, एंड व्हेन एंड व्हेन रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन में रूट थ्री। इस तरह से वैल्यू हमारे पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर फोर है, उनकी लास्ट वन है, आई मीन लास्ट वन इस क्वेश्चन का लास्ट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस टाइम वी हैव लिखी जितनी यहाँ देख लिया आपने, तो इस तरह से इसमें क्या करना है कि मुझे देखना है कि मिडिल टर्म जो है वह सेवन एक्स ना ली और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन में, आई मीन फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, रूट टू इंटू फाइव रूट टू, रूट टू इंटू फाइव रूट टू, यह फाइव है, रूट टू इंटू फाइव रूट टू, यानी रूट टू से रूट टू को मल्टीप्लाई तो टू हो जाएगी और फाइव तो है ही, यानी टेन। मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, टेन चाहिए और ऐड करने के बाद सेवन चाहिए और प्लस में ही सेवन चाहिए। सम क्या है यहाँ पर, सम सेवन चाहिए। तो छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा कि दोनों साइन प्लस ही चाहिए, यानी दोनों फैक्टर प्लस में होगा और सम करने पर भी प्लस ही चाहिए, आई मीन दोनों जो फैक्टर होंगे प्लस में ही होंगे। फाइव टू या टेन, फाइव टू सेवन, वेरी सिंपल। हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं इसको, आई मीन इसको फैक्टराइज करें पहले, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में फाइव एक्स करते हैं, राइट है ना, प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो, यानी सेवन को हमने स्प्लिट कर दिया टू एक्स प्लस में फाइव एक्स, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, क्या होगा। अभी मैंने पीछे बताया था कि टू को हम क्या रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, तो इसमें से रूट टू एक्स हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा प्लस यहाँ पर रूट टू बचेगा। चूंकि टू को हम क्या लिखेंगे, टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, उसी तरह फाइव को रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें से एक रूट टू कॉमन ले लिया तो बच गया एक रूट टू प्लस। अब यहाँ देखिए फाइव यहाँ भी फाइव है तो फाइव हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस रूट टू बच जाएगी इज इक्वल टू जीरो। बात समझने की है, इस तरह से हमने इसको देख लिया, यहाँ पे एक्स प्लस रूट टू हमने कॉमन ले लिया, रूट टू एक्स प्लस में फाइव इज इक्वल टू जीरो। जब इस तरह से फैक्टर मल्टीप्लीकेशन के रूप में आती है, इसके बराबर भी जीरो, इसके बराबर जीरो, जो आपने पीछे तीनों क्वेश्चन में देखा है, व्हेन एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, एंड व्हेन रूट टू एक्स प्लस में फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन में रूट टू। समझने की बात है, दो सोल्यूशन इसके आ गए, राइट। तो आज हम फिर इस क्वेश्चन की तरफ हैं। मैं आपको एश्योर करूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। आप इसको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो लगेगा कि शायद सर ने जो शॉर्टलिस्ट किया था वह बिल्कुल अप्रोप्रिएट उम्मीद पर खड़ा उतर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके कंसेप्ट को बढ़ाते हुए आपके कैपेबिलिटी, आई मीन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को और बूस्टअप किए हुए जा रहा है और आपके मार्क्स भी स्कोर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, राइट है ना, और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें दो तीन बात समझनी है। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स को फाइंड करने के तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर कोई तरीका मैं पिछले वाले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन गिवन था तो हमने फैक्टराइज किया, यहाँ कोई तरीका गिवन नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक जादू है, जादू क्या है, एक आइडिया माइंडसेट कर लीजिए कि इस केस में इस तरह के क्वेश्चन में चाहे जैसे भी हैं इसमें न्यूमेरल्स चेंज भी कर देंगे, एक्स वाले पार्ट को ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है, एक्स वाले पार्ट को ट्रांसपोज कर देना है, बिल्कुल स्टेप को एकदम माइन्यूट लेवल में समझिए
एक्स वाले पार्ट को ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है, एक्स वाले पार्ट को ट्रांसपोज कर देना है। सो वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलिए अब इस केस में मैंने बोला था जब एक से अधिक टर्म उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे और इधर इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम लेंगे, राइट। इसका एलसीएम तो ए बी हो जाएगा और इनसे बी और प्लस यहाँ ए ऐसा हो गया। सेम वे इधर भी ए प्लस बी प्लस एक्स इन ब्रैकेट एक्स हो जाएगी। एलसीएम आए जब दो डिफरेंट चीज हो उसकी प्रोडक्ट उसकी एलसीएम होती है। इसकी प्रोडक्ट हो गई मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ हो जाएगी एक्स माइनस में ए प्लस बी प्लस एक्स। अब आपको एक बात और बता दूं, किसी ब्रैकेट के पहले अगर साइन माइनस हो तो थोड़ा सा चेंजेज आते हैं, उस माइनस से सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, चूंकि ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब समझना है यहाँ पर एक्स माइनस ओपन करो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो आप, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सुंदर लगने के लिए ए बी कर दे। अरे बी प्लस ए और ए प्लस बी बोथ आर इक्वल, आपने आइडेंटिटी तो पढ़ा ही होगा ना, ए प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो इस केस में ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सेम चीज डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाता है। बच गया मेरे पास ये माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले ले अगर तो ए प्लस बी बचेगी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको सुंदर से लगने लिख दिया इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में ए बी। इससे इनको हमने उड़ा दिया, यह चीज ऐसा कट जाता है। ध्यान रखना है जब होल ब्रैकेट हो आई मीन पूरी हो तो पूरे से पूरे को उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं कि आप प्लस में हो तो ऐसे प्लस वाले को कार्य सो नहीं, पूरी टर्म पूरे टर्म से हम कैंसिल करेंगे, यानी बचा है वन यहाँ बचा माइनस वन यहाँ वन, यानी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए ए एक्स प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, समझना है यहाँ पर कि वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई टेंशन नहीं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी, यही तो हुआ। तो इस उठा ट्रांसपोज करो इसको इधर लाओ, इधर लाने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, वेरी सिंपल। अब तो एक बड़ा कॉमन सा टर्म दिया, इसको इसको ग्रुप किया, अब हमें क्या लेना है कॉमन लेना है, चूंकि एक्स की वैल्यू जो फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए बच जाएगा प्लस बी कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। सर प्रीवियस वाले टॉपिक की तरह ही है, अब फिर से एक्स प्लस ए हम कॉमन ले सकते हैं, मेरे पास बचेगा एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो। जब इस तरह से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होती है इसका मतलब इसके बराबर भी जीरो है इसके बराबर भी जीरो है। When x plus a is equal to zero, x is equal to minus a. And when x plus b is equal to zero, x is equal to minus b. अब आप क्लियर हो गया होगा कि x की वैल्यू माइनस ए है और माइनस बी है। तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल माइंड में लॉक कर जाइए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर अल्टरनेट ईयर्स में बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और आपके जो स्कूल के एग्जाम होंगे उसमें तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जो हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है आने की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर लेता है। क्वेश्चन को देखें थोड़ा सा एक नया टाइप है कि इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं और यूजुअली थोड़ा सा एक ट्रिकी है कि एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, यह समझना है कि इसका यह रेसिप्रोकल है। आई थिंक रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ रहे होंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, हमें व्युत्क्रम ए अपॉन बी बी अपॉन ए, राइट। यह जिन दो की प्रोडक्ट वन के बराबर होती है वह एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, उसी का हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो यह इसका रेसिप्रोकल है। तो एक कंसेप्ट है कि इस चीज को अगर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो दूसरा वाला भी आराम से निकल जाएगा। सपोज किया कि अगर हम इसको लेट हैंड लेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री को हमने अगर m एज्यूम कर लिया राइट, कुछ भी मान सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं t मान लो p मान लो q मान लो कुछ भी मान लो, अल्फाबेट के लेटर्स को एज्यूम कर लेने हैं। तो
तो यह अगर टी हो गई या एम हो गई तो यह वन अपॉन एम हो जाएगी, क्योंकि वन के नीचे कोई फ्रैक्शन आता है तो उसकी वैल्यू आपस में उलट जाती है। तो समझना है, देयरफॉर 2m माइनस 7 इंटू 1 बाई एम कर दो इसको, क्योंकि 1 बाई एम की वैल्यू होगी है। अगर हमने इसको m लिया है तो यह उसकी रेसिप्रोकल है ना, इज इक्वल टू 5। बड़ा आसान। अब इस केस में क्या करें, इसको हम 2m माइनस 7 अपॉन m हो गई इज इक्वल टू 5। इस केस में हम क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे, m 2m स्क्वायर हो जाएगी माइनस में 7 इज इक्वल टू 5 अपॉन कुछ नहीं तो 1। जब दो फ्रैक्शन हो बीच में इक्वल टू तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2m स्क्वायर माइनस में 7 इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 5m। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5m हो गई। अब ट्रांसपोज कर दो इसको, 2m स्क्वायर माइनस में 5m माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको देख के पता चल गया होगा, यह ऐसा कंसेप्ट तो हमने पीछे भी देखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 7 टू जा 14 और प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए। मैं थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, यानी इसके लिए प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए। तो प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, जब एक प्लस दूसरा माइनस, जब प्लस और माइनस फैक्टर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है आपस में, उसमें से बड़े वाले का साइन लिखते हैं, बड़े वाले साइन निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव में है। तो 7 टू या 14, 7 से 2 जाएगा तो 5, 7 का साइन माइनस लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, 2m स्क्वायर माइनस में 7m प्लस में 2m कर दो, तब इसकी वैल्यू माइनस 5m हो जाएगी और प्रोडक्ट माइनस 14 हो जाएगी, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ग्रुप करो, इन दोनों में कॉमन ले लो, आप 2m तो कॉमन नहीं हो सकता, सिर्फ m कॉमन ले लेंगे तो 2m माइनस में 7 हो जाएगी, प्लस 1 कॉमन ले लो, 2m माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो 1 तो फैक्टर होता ही, क्योंकि 1 क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, दुनिया के तमाम नंबर्स को 1 डिवाइड कर सकती हैं, इसलिए m 2m माइनस 7 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने दो फैक्टर ढूंढ लिए इसके। अब m की वैल्यू बोला था मैंने कि when 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 7 बाई 2 हो जाएगी, एंड when m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के m के दो फैक्टर आ गए, 7 बाई 2 वैल्यूज आ गए, 7 बाई 2 एंड माइनस 1। लेकिन मुझे m तो निकालना नहीं था, निकालना था x की वैल्यू, सो वी हैव टू अज्यूम, यानी इस चीज को जिसको हमने माना था ना, इस चीज को आप क्या करें, इसके बराबर पुट कर दें। समझने की बात है कि हमने m की वैल्यू निकाली नहीं थी, निकाली तो थी ही क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया था m। अब क्या करना है, m की वैल्यू हम इसके बराबर पुट करेंगे, सिंस लिख दो यहां पर, सिंस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू m, आई मीन 7 बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार हम 7 बाई 2 लेंगे, अब नॉर्मल चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 7x प्लस में 7 3 21। अब समझना है, x वाले उठा के धर लाओ, 2x माइनस में 7x इज इक्वल टू 21 प्लस में 2, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 5x, माइनस 5x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 23 अपॉन में 5, लेकिन साइन माइनस का होगा, ऊपर में ले जाएंगे, यह आपका एक आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू एक यह आएगी, ठीक है। दूसरे तरफ जब व्हेन एंड व्हेन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस वन, एम के जो दो वैल्यू आए हैं दोनों केस निकाले, ऐसा नहीं कि एक ही केस निकाल के छोड़ देंगे, क्योंकि एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो निकल चुकी है, एक दूसरा हम निकाल लेते हैं, बाई वन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन ही रहेगी और माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया इसको तो यह ऐसी आएगी और इसको माइनस से किया तो ऐसे आ जाएगी, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस में 1, आई मीन 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप समझ गए कि इस तरह से वैल्यू किया और एक यह दो वैल्यू आ गई, तो कुल मिलाकर के इसका आंसर निकालने के लिए हमने इस चीज़ को थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई करना है, अगर सेम क्वेश्चन में आएंगे तो स्पष्ट दिख जाएगा आपको कि इसका रेसिप्रोकल है, इस तरह से आपको अज्यूम कर लेना, उसकी वैल्यू निकाल लेना, फिर उसके इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान पेपर में पूछता है, प्लीज तरह के क्वेश्चन लिए हैं थोड़ा सा।
ये पेपर में आते हैं। एक्चुअली हमने बार बार बोला है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन लिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन ही लिए जाते हैं। आप डिजिट चेंज कर दें डजंट मैटर, यू शुड कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑन ऑल दिस, आपके कॉन्सेप्ट इन सभी चीज़ों पर होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और सर ने क्या क्या बताया, ध्यान से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार मन हो उतनी बार देखिए जरूर, और उसके हिसाब से आप उसको रिवाइज कीजिए। घर में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बार बार जब हम लोग पढ़ते थे उसमें रिवाइज बहुत किया, उसी का परिणाम है। तो आज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़िए और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाइए घर में। जितना आप मेहनत करेंगे खुल करके सामने दिखेगा कि आप कितने शॉर्ट टाइम में कितने कॉन्फिडेंट होकर के मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करते हैं। चलिए, मैंने बोला था इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए, व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एक्स। तो इसके लिए जब एक से अधिक टर्म होता है उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, मैंने बहुत बार बोला है। तो इसको एक एलसीएम ले लो, यहाँ पर 11/30 को चुपचाप लिख देना है। इसके एलसीएम में क्या होगा, दोनों की प्रोडक्ट एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7। जब दो डिफरेंट बेस होती है तो उसकी प्रोडक्ट उसकी एलसीएम होती है। अब इनसे इनसे इनको मल्टीप्लाई, इनसे इनको मल्टीप्लाई, यानी एक्स माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 ऐसे। अब समझिएगा, क्योंकि हमने एक से अधिक से ब्रैकेट बंद किया और आपको भी बताया था मैंने, किसी ब्रैकेट के उसको ओपन करेंगे एक्स माइनस 7 और यह माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले साइन माइनस आने से उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर पॉजिटिव साइन हो तो कोई चेंज नहीं, जैसे यहाँ पे कोई साइन इसका मतलब पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माइनस होने से अभी माइनस ये भी माइनस हो गई। अब इनकी प्रोडक्ट हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस प्लस में 4x माइनस 28, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 4x माइनस में 28, हमने प्रोडक्ट निकाल के लिख दिया डायरेक्ट, इज इक्वल टू 11/30। यह क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम चीज डिफरेंट साइन कैंसिल हुआ, बचा माइनस 11, माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 44x। इसको आप छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस 3x हो जाएगी, माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। मैंने बोला था कि जब सेम चीज़ हो ऊपर से ऊपर उसको उड़ा सकते हैं आप, यहाँ 1 हुआ, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 इज इक्वल टू 1/30। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 इज इक्वल टू माइनस 30। अब समझने की ज़रूरत है यहाँ कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 28 प्लस में 30 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइट नेचर में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यह क्या निकला मेरा इक्वेशन, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो फैक्टर ढूंढना है जिसकी प्रोडक्ट 2 हो, जोड़ने के बाद आई मीन सम करने पर माइनस 3, 2 1 3 और 2 1 2, आई मीन दोनों फैक्टर 2 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x x माइनस 2 पहले लिखिए आप, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं कि आगे पीछे क्यों लिख दिया, लेकिन यहाँ लगता सुंदर है कि पहले हमने कॉमन लिया है तब वो बचा है, आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना ऐसे चाहिए तरीका से, व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1। अब आप समझ सकते हैं कि x की जो दो वैल्यू आई ये दोनों x माइनस इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस तरह से तरीका है, एक नॉर्मली हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट है। अब बचा कौन, यह क्वेश्चन, राइट है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई नया जादू नहीं है, वह यही हम इसका एलसीएम लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए धीरे धीरे 9 1 10 10/3, ये तो मिक्स नंबर है, इसको हम इस तरह से कंप्लीट फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे,
इसका एलसीएम एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर होगा। इनसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू। कोई नई बात नहीं, हमने इनसे इनको किया, इनसे इनको किया और इनकी प्रोडक्ट नीचे लिख दिया। याद कर जाइए आप, जब कभी डिफरेंट बेस होता है उसकी प्रोडक्ट उसके एलसीएम होती है, नीचे वाले से डिवाइड कर दिया तो कट जाएगी ना, बचे एक्स माइनस फोर। इसलिए जादू है कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, दोनों की प्रोडक्ट निकल। बहुत शॉर्ट टाइम में आपका काम भी हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे। इनसे मल्टीप्लाई करना है बड़ा आसान, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर। फिर इसको भी कर देते हैं, चूंकि प्लस साइन है तो कोई टेंशन नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे कर दो, बाय एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस में टू एक्स माइनस में एट इज इक्वल टू टेन अपॉन थ्री। हमने दोनों सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कोई नया काम नहीं किया इसमें। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यह फोर एक्स और वन एक्स, माइनस फाइव एक्स हो गई, माइनस फाइव एक्स और माइनस थ्री एक्स, माइनस एट एक्स प्लस टू एक्स यानी माइनस सिक्स एक्स हो जाएगी। फोर और सिक्स क्योंकि दोनों नेगेटिव है, आई मीन एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, माइनस टू हो जाएगी। ध्यान सुनना है, फोर फाइव एट, एट से टू जाएगा तो सिक्स, फोर से टू माइनस टू, ठीक। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू टेन अपॉन थ्री। अब आप देख लिए कि इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर फैला दिया। अब क्या बोला था, जब दो फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इनसे इनसे इनको, कितना जाएगा टेन एक्स स्क्वायर माइनस में ट्वेंटी एक्स माइनस में एटी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री है थ्री सॉरी सिक्स, थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस सिक्स, थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस सिक्स, टेन एक्स स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस एटीन एक्स माइनस एटी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इस केस में क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सेवेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हमने जो कुछ डेरिवेशन किया है इसका, तो टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स, अरे एक लाइक नेचर के टर्म्स जो है उसको हमने एक तरफ ट्रांसपोज कर दिया। अब कुछ कॉमन, टू तो कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगी माइनस में एक्स माइनस में थर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब आप समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस थर्टी सेवन इज इक्वल टू जीरो। इसके जो फैक्टर होंगे थर्टी सेवन टू सेवेंटी फोर, सेवेंटी फोर। तो इस तरह इक्वेशंस को ना, इस तरह इक्वेशंस को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थर्टी सेवन, यहाँ पर कहीं इस क्वेश्चन में रॉन्गली रिटन, आई मीन कुछ हमने गलत इसमें कॉपी कर दिया हो, या क्वेश्चन अगर यहाँ पर माइनस टू होता, यह चीज़ माइनस टू होता, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, तो आई थिंक यह सिंप्लीफाइड फॉर्म होता जो आप आसानी से सॉल्व कर लेते। अदरवाइज तरीका यही है, आप इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन जनरेट आपके मन में ना हो, यह चीज़ एक्स प्लस टू के बदले एक्स माइनस टू होना चाहिए था, जो हमने रॉन्गली कॉपी कर लिया यहाँ पर, जिसका परिणाम हुआ कि इस तरह के जो फैक्टर आएगा आपको देखने में अटपटा लग रहा है, बट यू हैव टू सॉल्व इन दीज मैनर, राइट है ना। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जस्ट इस प्लस के बदले माइनस होता तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अदरवाइज इसको फैक्टराइज करना है, आपको फैक्टराइज करने के सारे तरीका पता है, जिस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे, आई मीन टू सॉल्व इट, आपके लिए काम होगी, करके देखना, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल सॉल्व इट। जस्ट एक सिंपल सा तरीका है फैक्टराइजेशन, इसको डिराइव कर देना है, इसको डिराइव कर देना है, यानी ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए सी एक्स माइनस में बी सी इज इक्वल टू जीरो। हमने कुछ नहीं किया इसमें, जस्ट एक इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो इस तरह से क्या हुआ कि हमें एक एक्सपेंडेड फॉर्म मिल गया। अब इनमें देखना है कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। सबको पता है जो कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, बी इधर भी है, बी इधर भी, बी कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स है यानी एक्स कॉमन ले लो। बच गया क्या मेरे पास, ए बच जाएगा और एक एक्स बच जाएगी, प्लस इसमें बी बच जाएगी और एक्स बच जाएगी, एक्स नहीं बचेगी जस्ट बी बचेगी, क्योंकि हमने बी एक्स कॉमन ले चुका है, एक्स प्लस बी आ गई। अगर हम यहाँ पर माइनस सी कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस बी आ जाएगी इक्वल टू जीरो। कोई नया बात नहीं है इसमें, जस्ट इससे इसको मल्टीप्लाई किया है। अब क्या हो जाएगा, ax प्लस बी और ax प्लस बी फिर से कॉमन हो सकता है, ax प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो bx माइनस सी हो जाएगी इधर जीरो। जब इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में होता है तो हम बराबर जीरो कर लेते हैं, व्हेन ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड ax इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, एंड व्हेन bx माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, bx इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी अपॉन बी। दीज आर द आंसर्स। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन पेपर में अगर फैक्टराइजेशन गिवन है तो आपको फैक्टराइजेशन से ही बनाना है। तो अपने हम इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने फैक्टराइजेशन के लिए हैं, आई मीन बाय फैक्टराइजेशन मेथड इन विच मैनर वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको निश्चित रूप से एक क्रम में पढ़ते जाएं, रिवाइज करते जाएं और इस क्वेश्चंस को जो हमने कराए हैं उनको बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ही मार्क कर लें, अपने डायरी में नोट कर लें कि यह क्वेश्चंस बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यह हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस का एक परिणाम है जो कि हम आपको बता पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको देखिए, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस पर लिख देता हूँ जो आप उसको घर पर प्रैक्टिस के रूप में रिवाइज करेंगे। Thank you so much. You have to keep watching.